वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंडिया के कप्तान साहब के फूले हाथ पांव। रोहित शर्मा को लगा इस पाकिस्तानी खिलाड़ी से डर। टीम इंडिया को परेशान करने वाले दो गेंदबाजों में कौन खतरनाक, हिटमैन ने दिया जवाब। हवा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला वो घातक गेंदबाज जिता चुका है वर्ल्ड कप। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप 2023 खेलने जा रहे हैं, जिसका आगाज भारत में 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन मैच से पहले भारतीय कप्तान का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताया जो उन्हें वर्ल्ड कप 2023 में परेशान कर सकता है। वर्ल्ड कप 2023 में भारत में हरा पाना किसी टीम के लिए आसान नहीं होने वाला, इसीलिए टीम इंडिया को फेवरेट टीमों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि भारत के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं, जो किसी भी टीम के गेंदबाजों पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले कप्तान रोहित शर्मा दो ऐसे गेंदबाजों के नाम का खुलासा कर चुके हैं जो वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के खिलाफ भारी पड़ सकते हैं। रोहित शर्मा ने बातचीत करते हुए ICC से कहा, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क दोनों क्वालिटी गेंदबाज हैं। नई गेंद से काफ़ी खतरनाक हैं, गेंद को स्विंग करा सकते हैं और काफ़ी तेज हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी घातक गेंदबाजों में एक हैं। उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ पर किसी भी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है। ऐसे में भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी विपक्षी टीमों में कैर बनकर बरस सकते हैं, इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने भी माना है कि वो क्वालिटी गेंदबाज हैं। आपको बता दें कि शाहीन अफरीदी ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 में घातक गेंदबाजी की थी। रोहित शर्मा और KL राहुल का विकेट पहले ओवर में चटकाते हुए मैच का रुख बदल दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी खास तौर पर सावधान रहें। तो दोस्तों, धीरे धीरे वर्ल्ड कप का माहौल तैयार होने लगा है। भारत में 5 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा और 19 नवंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। जाहिर तौर पर टीम इंडिया इसमें खिताब की दावेदारों में से है, लेकिन इस दौरान उसे कुछ बेहतरीन टीमों के खिलाफ जोरदार परफॉर्म करना होगा। खास तौर पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बाएं हाथ के कुछ घातक गेंदबाजों से पार पाना होगा, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और मिशेल स्टार्क का बेहद खास रोल है। दोनों ही गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों के लिए आफत बनते हैं और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इससे भली भांति वाकिफ हैं। भारतीय कप्तान ने इन दोनों ही गेंदबाजों का सामना किया है और उनके खिलाफ उन्हें परेशानी भी हुई है। स्टार्क ने रोहित को वनडे में 3 बार आउट किया है, हालांकि शाहीन के खिलाफ रोहित ने सिर्फ 1 बार वनडे मैच खेला है, जिसमें रोहित ने खूब पिटाई की थी। हालांकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने पहले ही ओवर में रोहित को आउट किया था। अब एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में दोनों का आमना सामना होगा। आपको वो तारीख तो याद ही होगी जब पाकिस्तानी टीम ने एक दमदार प्रदर्शन के बदौलत T20 वर्ल्ड कप में भारत के विजय रथ को रोक दिया था। मैच के शुरुआती पलों से जिस तरीके से गेंदबाजी की जा रही थी, उससे ये साफ था कि पाकिस्तानी प्लेयर एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। पहले एक छोटे स्कोर पर भारत को रोकना और उसके बाद एक दमदार सलामी बल्लेबाजों की पारी ने भारत को पूरे मैच में कभी भी मैच में आने ही नहीं दिया। ये वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप और किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। आपको बता दें कि T20 मैचों में भारत की पहली बार 10 विकेट की हार थी। शाहीन शाह अफरीदी ने 31 रनों पर 3 विकेट लेकर कप्तान बाबर आजम के फैसले को सही ठहराया था। अपनी शुरुआती 7 गेंदों में ही टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी थी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। शाहीन अफरीदी ने अपनी यॉर्कर लेंथ डिलीवरी से रोहित शर्मा को गोल्डन डक किया था। इसके बाद अपने अगले ओवर में KL राहुल को बोल्ड कर दिया और शायद यही परफॉर्मेंस डर बनकर रोहित शर्मा के जहन में आज भी जिंदा है। वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा द्वारा शाहीन शाह अफरीदी का घातक गेंदबाज के तौर पर जिक्र किए जाने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।